हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो आज की इस वीडियो में मैंने क्रिएट किया है पोंगल मेकअप लुक, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन मेकअप लुक है। और इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने ओलिविया फाउंडेशन स्टिक का यूज़ किया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फेस को बिल्कुल क्लीन करना है। उसके बाद आप CTM करेंगे, क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे डायरेक्टली प्राइमर है, ये फिटमी का प्राइमर, और टी जोन एरिया पे इसको आपको अप्लाई करना है। चाहे आप कोई भी फाउंडेशन या कोई भी पैन स्टिक यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने ओलिविया का यूज़ किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइमर नहीं अप्लाई करेंगे, आपको प्राइमर ज़रूर से अप्लाई करना है। इससे आपका बेस जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं ओलिविया पैन स्टिक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसमें मेरा शेड है 03, और ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि ये थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये ओरिजिनली मतलब रियल में जो है ना, ये मेरे स्किन टोन से मैच कर थोड़ा सा लाइट है। उसके बाद क्या होता है ना, आप जब अप्लाई करते हो तो ये ऑक्सीडाइज होता है और आपकी स्किन टोन से काफ़ी मैच हो जाता है। और इसको मैं ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है और काफ़ी अफोर्डेबल है, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और आप इसको बिल्ड करके फुल कवरेज भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है, और इसके बाद मैं सेम इसी स्टिक को एज अ कंसीलर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये कंसीलर का भी काम बहुत अच्छे से करता है। तो मैंने आईलिड्स के ऊपर, अंडर आई एरिया पे, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, और इसको भी ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से ही। और ये कंसीलर का भी काम बहुत अच्छे से करता है, और बहुत मैक्सिमम लोगों ने यूज़ किया होगा आई थिंक। और इसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ये भी। आप फाउंडेशन वगैरह कुछ भी यूज़ करते हो तो अपने नेक एरिया को एंड ईयर को नहीं भूलना है, वहाँ पे भी आप अप्लाई करें अच्छे से, या फिर जो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में लेफ्ट ओवर है ना उसको अप्लाई कर लें। इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसको मैं ब्रश की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से काफ़ी अच्छे से आपके फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई हो जाता है, बहुत ही कम प्रोडक्ट और इवन अप्लाई होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ये है आईब्रो पेंसिल, मेबलिन के तरफ से है ये, और ये ब्राउन शेड का है। और मैं जस्ट एक आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही लाइट कलर है इसका। और आईब्रोज़ में जितने भी हेयर्स में गैप है ना, जस्ट उनको ही मैं फिल कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से ना गैप्स को फिल कर लीजिए, बहुत ही नेचुरल लुक आता है। उसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप आईब्रो पेंसिल अप्लाई करते हो या कोई भी प्रोडक्ट अपने आईब्रोज के ऊपर अप्लाई करते हो, तो इस पुली से इसको ब्लेंड करना ना भूलें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शिस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स हैं, और इसमें से मैंने मरून शेड पिक करके और अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ। जस्ट डैप डैप आपको करके प्लेस करना है, जितने भी प्रोडक्ट है ना वो आउटर कॉर्नर पे अप्लाई हो जाएंगे। देन आपको इसको ब्लेंड कर देना है, और काफ़ी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक ये हार्श लाइन ना रह जाए। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे सिल्वर कलर है ये, और इसको मैं फिंगर टिप से अप्लाई करूँगी सेंटर ऑफ द आईलिड, और एक कट क्रीज जैसा ये क्रिएट हो जाएगा, और आईलिड्स आपकी काफ़ी आई मेकअप जो है आपको काफ़ी सुंदर दिखेगा, और बहुत ही कम टाइम में ये मेकअप जो है ना, आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। देन मैं एक ब्रश की हेल्प से इन सबको एक साथ ब्लेंड कर दूंगी, और आप देख सकते हो आई मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन मैं आईब्रोज़ के नीचे भी सेम हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि एक अच्छी सी शाइन आए। उसके बाद मैं करूँगी आई लाइनर लगाऊंगी यहाँ पे। आई लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लिए मेबलिन का जेल आई लाइनर, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी बोल्ड आईलाइनर। और जेल आईलाइनर से काफ़ी अच्छे से लग जाता है बोल्ड आईलाइनर, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ना वाइट काजल। वाइट काजल के लिए यहाँ पे मैंने लिया है स्टे कर्की का वाइट काजल है ये। और वाइट काजल लगाने से ये होता है ना कि आपकी आईज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिखती हैं, तो आपको वाटर लाइन पे वाइट काजल लगाना है, और लोअर लैश लाइन पे आपको लगाना है ब्लैक काजल। तो यहाँ पर मैं वाइट काजल लगा चुकी हूँ, मैं ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ, और आप देख सकते हो आँखें थोड़ी सी बिग दिख रही हैं। और उसके बाद मैं आई लैशेज़ को कर्ल करूँगी। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ फेक लैशेस, और फेक लैशेस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लैशेस में ग्लू लगाइए, उसको 30 से 40 सेकेंड के लिए ड्राई होने दीजिए, तभी उसके बाद ही आप अपने आई लैशेस पे इसको स्टिक करने की कोशिश कीजिए। स्टिक करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, आप चाहें तो अपर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ये है मेबलिन का मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसको स्प्रे करने के बाद आपकी जो मेकअप है वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर लिक्विड ब्लश
ब्लश और इसको बनाया है मैंने खुद घर पे, DIY किया है। विंटर्स में क्रीम ब्लश अप्लाई करना काफ़ी अच्छा होता है, ग्लॉसी लुक आता है। और आपको इसको ब्लेंड कर देना है ब्रश से और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलाइटर। तो सेम मैंने पैलेट से यही वाला हाईलाइटर लिया, एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, चिन पे, आप अपने अपर लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अपने फेस के जितने भी हाई पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे आपको हाईलाइटर यूज़ करना है। देन मैं अप्लाई करूँगी लिप लाइनर और लिप लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मी नाओ का लिप लाइनर है ये, और इससे अपने लिप्स को आउटलाइन कर लीजिए। लिप्स को आउटलाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लिपस्टिक से पहले। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलेटीन का ये कलर पॉप्स का लिपस्टिक, मरून शेड का है, तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका और मैट नहीं है ये बिल्कुल भी, थोड़ा सा क्रीमी है। एंड गाइज यहाँ पे मैंने मेकअप लुक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। मैं वेयर कर रही हूँ ज्वेलरी जो कि है नेकलेस ये वाला और ये झुमका है जो कि आप देख सकते हो साउथ में मैक्सिमम ऐसे ही नेकलेस वेयर किए जाते हैं और यहाँ पर मैंने बिंदी भी लगाई हुई है। तो ये ट्रेडिशनल लुक आपको कैसा लगा पोंगल मेकअप लुक? अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।